नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमबी स्पीक्स। राजनीति बड़ी ही अनप्रिडिक्टेबल सी होती जा रही है, खास तौर पे अब जब सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की बिसातें जमा रहे हैं, अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। आज प्रशांत किशोर का सोनिया को कांग्रेस को बाय बाय बोलना इसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा माना जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तमाम अटकलों को निराधार करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि पीके ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में महासचिव का पद संभाल सकते हैं। इसको लेकर के अटकलें तब शुरू होती हैं जब उन्होंने 18 घंटों की प्रेजेंटेशन पार्टी आलाकमान के सामने दी। चर्चा ये भी थी कि पार्टी पीके की स्ट्रेटजी के हिसाब से ही 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम उनके द्वारा पार्टी के लिए किए गए प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। सुरजेवाला के बयान के बाद खुद पीके ने ये कह करके सारी बातों की सफाई दी, साफ कर दिया कि वे कांग्रेस में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। प्रशांत ने कहा, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने पार्टी को एक सलाह भी दी, मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। इससे पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार यानी कि गए दिन ये कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या नीति होगी इसका फैसला एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ही करेगा। इन सभी कमेटियों के अलग अलग संयोजक के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़के, सलमान खुर्शीद, पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, भूपिंदर हुड्डा और अमरिंदर सिंह बारिंग काम करेंगे, जो कांग्रेस ने 6 नई कमेटियां बनाई हैं। और सोनिया गांधी ने प्रशांत की प्रेजेंटेशन और उनके पार्टी में शामिल होने को लेकर के विचार करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की एक समिति का गठन भी किया था। ये कमेटी भी चाहती थी कि प्रशांत बाकी सभी राजनीतिक दलों से दूरी बना लें और पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित हो जाएं। प्रशांत किशोर ने ये सुझाव दिया था कि कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी और केसीआर की टीआरएस जैसी रीजनल पार्टी से गठबंधन कर ले। पीके ने कांग्रेस को 600 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें ये बताया गया था कि पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए क्या करना होगा। उन्होंने 3 फार्मूले बताए थे। पहला, कांग्रेस पूरे देश में अकेले चुनाव लड़े। दूसरा, कांग्रेस भाजपा और मोदी को हराने के लिए सभी पार्टियों के साथ आए और यूपीए को मजबूत करे। तीसरा, कुछ जगहों पे कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और कुछ जगहों पे सहयोगियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। दोस्तों, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए कोई दूसरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, भाजपा जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कांग्रेस और उसके जो सलाहकार हैं, जो बड़े ओहदेदार हैं, वही जिम्मेदार हैं। शायद वो लोग जो पार्टी को अपना कहने का दावा कर रहे हैं, या शायद वो लोग जो सोनिया के नजदीक होने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से रसातल में जा रही है। और यहीं पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस ने कम करके आका है, उन्हें अंडर एस्टिमेट किया है। पीके चाहते थे कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट करें। प्रेजेंटेशन के बाद हाईकमान ने एक कमेटी बनाई और फिर एम्पावर ग्रुप बनाने की घोषणा की। कांग्रेस ने पीके को इस ग्रुप में शामिल होकर काम करने का ऑफर दिया था, जिसे प्रशांत ने खारिज कर दिया, ठुकरा दिया।
प्रशांत चाहते थे कि उन्हें कम से कम एम्पावर्ड ग्रुप का अध्यक्ष बनाया जाए, जिसे सोनिया को मंजूर नहीं था, उन्होंने नामंजूर कर दिया। सोनिया को ये पसंद नहीं था कि वो इस ग्रुप के अध्यक्ष बने। मैं आपको बता दूं कि बार बार एक शब्द आ रहा है, एम्पावर्ड ग्रुप। तो दरअसल एम्पावर्ड ग्रुप कांग्रेस नेताओं का एक समूह है, जिसमें 2024 के आम चुनाव को लेकर के स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, उसकी रिपोर्ट सोनिया को दी जाती है। एक और बात, प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में चुनावी अलायंस पे जोर दिया था, ये वो चाहते थे, ये उनकी मंशा थी, कांग्रेस के हित में ये उनकी मंशा थी। पीके ने ये भी सुझाव दिया था कि कांग्रेस बिहार, यूपी, ओडिशा में एकला चलो और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल में गठबंधन करें। प्रशांत इस पूरी योजना को लीड करना चाहते थे। खैर, अब आगे प्रशांत ने क्या सोचा है, आगे कांग्रेस के नसीब में क्या लिखा है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस को ठुकरा करके पीके ने एक बड़ा मैसेज न केवल कांग्रेस को दिया है, बल्कि दूसरी पार्टियों को भी बहुत कुछ साइलेंट वे में उन्होंने कह दिया है। तो दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा? और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये कंटेंट मैं लाइव करना चाह रही थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से ये लाइव नहीं हो सका, उसके लिए मैं ऐसा माफ रखती हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी और कंटेंट के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।